हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे गाड़ी धुलाने का सही तरीका क्या है। एक्चुअली क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी धुलाने आ जाते हैं लेकिन उनको सही तरीका पता नहीं होता है। कुछ भी शैम्पू वैम्पू कोई भी आलतू फालतू डिटर्जेंट वगैरह से भी बहुत जन वॉश करा देते हैं ऐसे करने से, लेकिन आप देखेंगे कि गाड़ी का जो ओरिजिनल जो कलर होता है, चमक होता है, वो उलने लग जाता है। और मैंने भी ये गलती की थी। जिस दिन मैं पहला दिन अपना गाड़ी लेकर के आया था, गाड़ी काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैं जब उसको वॉशिंग कराया था तो मेरा क्या कलर हल्का हल्का मतलब थोड़ा डाउन दिखने लगा था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में किस चीज़ों से आपको गाड़ी वॉश कराना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिक्विड यूज़ हो रहा है, बहुत ही अच्छा किस्म का लिक्विड है। उस लिक्विड से इसको वॉशिंग किया जा रहा है। इससे क्या होगा, गाड़ी वाड़ी फेड नहीं होता है और स्क्रैचेस वगैरह भी ज़्यादा नहीं आता है। बहुत सारा जो अधिकतर लोग क्या करते हैं, क्लिनिक प्लस वगैरह से गाड़ी धो रहे थे। क्लिनिक प्लस से क्या होता है ना, टंकी फेड होने लग जाता है, उसकी चमक उड़ जाती है, तो इसको डलने जैसा गाड़ी में आ जाता है। बट इसमें आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा आएगा नहीं। गाड़ी धुलने के बाद मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगा, गाड़ी शाइन करेगा। उसके बाद आप जब इसमें पॉलिश करा दोगे तो बहुत अच्छा ये शाइनिंग हो जाएगा। लेकिन बहुत जन क्या करते हैं, इसको पूरा बर्बाद कर देते हैं आलतू फालतू किसी चीज़ से भी धुला करके। ये प्रोफेशनल जगह अच्छे से धुलवाए, इतनी महंगी गाड़ी है, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी जाके आप कोई गाड़ी को वॉश करा लोगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, खास करके इस गाड़ी का, इसका जो साइलेंसर है ना, थोड़ा अपवर्ड है। तो अपवर्ड होने की वजह से क्या होता है ना, इसमें पानी जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। और मैंने यही गलती किया था जब मैं इसको धुलवा रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, और वो जो लड़का था धोने वाला, वो क्या कर रहा था, उसमें बार बार पाइप से पानी मार रहा था। उसके वजह से क्या हुआ था, इंजन में पानी चले गया था मेरा, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था स्टार्ट होने के लिए। तो ये क्या है, मैं आइडिया के लिए आपको बता देता हूँ, अगर आप गाड़ी धुलवाते हो जिसका अपवर्ड डायरेक्शन में अगर साइलेंसर निकला हुआ है, वो गाड़ी का आपको स्पेशली ध्यान देना है कि पानी वहाँ उसके नोजल से अंदर ना जाए। अगर पानी चले जाता है तो गाड़ी स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत आता है, एक बार में गाड़ी स्टार्ट होता नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा कि या तो उसमें कुछ प्लास्टिक का पैकिंग वगैरह दे दे, या फिर जो भी लड़का गाड़ी आपका वॉश करेगा उसको आप बोल दीजिए कि वहाँ पर थोड़ा ध्यान दे के पानी मारे, उसके अंदर पानी ना जाए, ताकि गाड़ी आपका सेफ रहे और अच्छे से वो लोग धो भी देंगे उसको गाड़ी को। बाकी गाड़ी धुलने के बाद जब गाड़ी थोड़ी पॉलिश होगी तो फिर मैं इसका दिखाऊंगा रिजल्ट कैसा आता है, कैसा दिखता है, और पॉलिश भी मैं कौन सा इसमें यूज़ करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको रिकमेंडेड करूंगा कि ऐसा ही पॉलिश आप यूज़ करें ताकि शाइनिंग गाड़ी में बहुत अच्छी आए। अब नई गाड़ी है तो अलग अलग किस्म का आजकल क्या होता है ना, सब पॉलिश वगैरह कर देते हैं, कोई 100 रुपये वाला करा लेता है, कोई 200 वाला करा लेता है। तो आप कभी भी पॉलिश वगैरह कराएं तो थोड़ा देख के कराएं, कौन सा पॉलिश कराना है नहीं कराना है। मैं आपको एक दो पॉलिश का नाम बताऊंगा जिसको आप कराने से गाड़ी में बहुत अच्छा ही चमक रहेगा उसमें। फिलहाल तो गाड़ी धुल रही है, गाड़ी धुलने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा पॉलिश किया जाता है इसमें। बाकी मैं PPF का कराने का भी कुछ प्लानिंग किया हूँ, बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया कि PPF में जो कौन सा कराना है। यहाँ पे जो कंपनी का यूज़ किया जा रहा है वो है टिंट एंड ऑरेंज का, जो कि अच्छा ही है PPF उसका। बाकी और भी बहुत अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, मेरे को 5 ईयर्स का उसमें वारंटी मिल रहा है। तो देखते हैं, मैं डिसाइड करके क्या करता हूँ मैं आपको बताऊँगा आगे जाके वीडियो में।